शिकस्त को मान लेते तो बेहतर था हजार सफ। यकीन जानो मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी। वोट इमरान खान दा सी। मैंने अपने रिजल्ट पर कुरान रखकर कसम खाई है कि मैं 50,000 की लीड से जीत चुकी थी। ख्वाजा अशोक बेटा, मेरे शहर सियालकोट दे अवाम ने खामोशी दी मार मार के ना ते ख्वाजा सदक वोट इतना खामोश सी कि कोई नहीं सी पता लगता कि वोट नून लीक दा, कि वोट इमरान खान दा, वोट किदा किदा नहीं। मगर वो पहला वक्त नहीं, शोर शराबिया ना पता लग जाए वोट किदा ते किदा नहीं। इंशाल्लाह ताला अगों भी खामोश वोट पेगा। ऐसे तरह ही पैना चाहिए तो जीता हार नूं तस्लीम करना चाहिए। वोट इमरान खान दा सी, मगर मेरा रस्ता नहीं सी। मैं हर मीडिया चैनल नूं कहा कि मेरा दीन नाल तल्लुक सी। जदों मेरा घर टुट गया, मैं एक चार दीवारी दी जीनत सी, लांग मार कर दरवाजे तोड़ कर अंदर आ गए। जो कुछ उन्होंने मेरे नाल किया सारी वीडियो शेयर हुई है। मैं गैरत खा गई, मैं नबी की उम्मत थी। मेरे खिलाफ जो कुछ हुआ मैंने बर्दाश्त ना किया। मैंने कहा कि इसी कुरान पर अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद कर सकते हैं जुल्म के खिलाफ, तो मैं क्यों नहीं डट सकता। आपके पास कितने फार्म आए जो हाजी मोहम्मद आसिफ का ये कहना था कि मैं हज़ारों की लीड में आगे चलूंगा, ऐसा क्या हुआ? आपके पास कितने फार्म थे जिनके मुताबिक आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ था कि आप जीत चुकी हैं? मेरे पास 350 फार्म, और जो लोग मेरे पास 45 फार्म लेके आए उन सब पर तशद्दुद था। फार्म खोल रहे थे, छीन रहे थे, मगर उन नौजवान बहादुर मेरे बेटों ने तशद्दुद के बावजूद वो मेरे पास आए। ओरिजिनल 40 फार्म मेरे पास हैं। मैं ख्वाजा आसिफ से पूछती हूँ कि जो फार्म मेरे पास है, जो मैंने मीडिया के सामने रखे हैं और बताए गए हैं, उस फार्म में आपकी कोई जीत नहीं, हार है। और सब मैं आगे जा रही हूँ, लीड कर रही हूँ। मैं ख्वाजा आसिफ से पूछती हूँ कि तुम तो अपने कश्मीरी मोहल्ले में हार गए हो, जो आपका मोहल्ला था 6,700 से मैंने आपको शिकस्त दी है। आप कैंट में रहते हो, आपका वहाँ भी घर था, उससे भी आप बुरी तरह शिकस्त खा गए हैं। शिकस्त को मान लेते तो बेहतर था ख्वाजा आसिफ। यकीन जानो मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी। क्यों? कि आपने उन लोगों के हक पर डाका डाला है जिन बच्चों ने माँ का साथ दिया, जिन बच्चों को आपने जेल में डलवाया, जिन बच्चों के आपने घर तोड़े। तो उम्मीद रखते थे आप कि आपको वो वोट डालेंगे। वो उन्होंने वोट नहीं डाला, उन्होंने माँ को जीत देकर आपको नफरत दी है कि देख लो तुमने जो किया, अब देखो शिकस्त को कबूल करो। आज भी मेरी एक आवाज पर वही मेरे बहादुर बेटे लाखों उमर डार, लाखों उस्मान डार एक मेरी आवाज पर सड़कों पर आ जाएंगे, और तुझे पता चल जाएगा कि माँ कितनी ताकतवर होती है बच्चों के लिए। माँ जी, आपने हाजी मोहम्मद आसिफ के जो जीत का इलेक्शन है उसको चैलेंज कर दिया, क्या देखते हैं आपको इंसाफ मिलेगा? देखो बेटा मेरी बात सुन, मैंने तो उन बच्चों के लिए जिन्होंने मारे खाई, जिन्होंने घर टूटे, जो जेल में गए, मैं उनके लिए खड़ी हूँ कि उनको इंसाफ मिले। मैं उनकी वजह से मेरी जीत हुई है, वोट उनका था, मैं उनके वोट के लिए लड़ रही हूँ कि ये डाका ख्वाजा आसिफ को डालने नहीं दूंगी। इंशाल्लाह ताला कुरान पर डटी थी, देखो उससे बढ़कर अस्सी और कोई नहीं। मैंने अपने रिजल्ट पर कुरान रखकर कसम खाई है कि मैं 50,000 की लीड से जीत चुकी थी, और कुछ रिजल्ट ख्वाजा आसिफ ने खुद जोर को करके लोगों से लिए। मगर मैं जो इलेक्शन कमीशन है, मेरी एक बेवा माँ की अपील है उससे कि उस कुरान को मद्देनजर रखना, वो आप पर भी उतारा गया था, आप भी नबी की उम्मत थे। जो आप फैसला करें, मेरी बेवा माँ की अपील है कि मेरे उस कुरान को उस रिजल्ट पर देखते हुए आपने मुझे फैसला देना। और अगर मुझे उम्मीद है मिलेगा, क्योंकि कुरान बहुत अजीम सी है, उससे बढ़कर कोई और चीज़ नहीं। और मैंने ऊपर कुरान क्यों रखा, क्या वजह आई?
जब एक औरत सच्ची हो और उसका रिजल्ट ठीक हो तो मेरे लिए ये वही नाजल तो नहीं होनी थी। मसलत आ गई, सच के सामने झूठ की दीवार आ गई। जब मसलत आई तो वो कुरान मेरे पास था, मैंने इसलिए उठाया कि एक सच में रुकावट आ गई है, कुरान मेरा सच्चा है, मैंने सच्चा उठाया है। अगर इस पर इंसाफ ना मुझे मिला तो फिर मेरे फैसले अपने अल्लाह के ऊपर होंगे और उस कुरान की अस्थी पर होंगे जिसको उठाकर मैं घर से निकलेंगी। फिर इंशाअल्लाह ताला खुद ही पता चल जाएगा कि क्या होता है बाद में, तो फिर मैं देखूँ।